नमस्कार, मैं शाइना उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से हाजिर हैं नई और ताज़ा खबरों के साथ। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि नई और ताज़ा खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। युवाओं को नशों से दूर खेलों की ओर अग्रसर रखने के मकसद से स्वर्गीय सुरेंद्र जाखड़ मेमोरियल वर्ल्ड वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नेहरू स्टेडियम में 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 64 टीमें भाग लेगी। कौन सी टीम किसके साथ मैच खेलेंगी, इसका चुनाव कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ ने ड्रॉ के जरिए किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को दी जाने वाली टी शर्ट भी लॉन्च की गई। अज का प्रोग्राम इन्होंने ड्रॉस कटे जी, जिहड़ा अपना सुरेंद्र जाखड़ मेमोरियल टूर्नामेंट जिहड़ा पिंडां दे विच तां हर साल हो रहा सी, शहर दे विच थोड़ा जिहा ब्रेक लग गए सी, ते ओह हुण वापस असीं वर्ल्ड वाइज टूर्नामेंट शुरू कराया। मैनूं दस रहे सी गिरधर जी ते अनिल जी, 64 टीमां दी एंट्री हुई है ते अज इन्हां ने ड्रॉ कढ़े है ते 22 तरीक नूं पहला राउंड शुरू हो जूगा, 20 दिसंबर नूं इहदा फाइनल होगा जी। ते मैं अज सारे मुंडियां दे विच जोश भी वाहवा है, काफ़ी एक्साइटमेंट हैगी है, तो उम्मीद करते हैं भी एक वधिया तरीके नाल एक टूर्नामेंट कराएंगे। तो आई विश ऑल द प्लेयर्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नगर थाना पुलिस ने लोगों के मोबाइल व पर्स इत्यादि की लूटपाट करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एसआई सुखविंदर सिंह कर रहे हैं। इलाके के किसानों ने विकास कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ को मांग पत्र सौंपते हुए रामसरा माइनर के नवीनीकरण की मांग की है। किसानों ने कहा कि नहर की हालत जर्जर होने के कारण उन्हें पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस पर श्री जाखड़ ने जल्द इस बाबत नहरी विभाग से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाओं के 3 साल पूरे होने पर प्री प्राइमरी अध्यापकों के सम्मान में एक समारोह बेसिक स्कूल में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह बल थे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर स्थानीय मंडी नंबर 1 में स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर नगर कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चित्र पर पुष्प मालाएं पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबरें पहुंच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।